नहीं, ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, ये वैसे तो 2 मिनट का टॉपिक है, ऐसे है कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें अपन अगर, तो कई बार आपके तो सिलेबस में है नहीं ये। हाँ, और इसमें ऐसा पूछता वो कि निम्न में से कौन से मूल मूल कर्तव्य है, कौन से नंबर का है, कौन सा क्या है, इसका मैं अभी ट्रिक बता दूंगा आपको, ताकि उसमें से कोई से भी 10 में से मूल कर्तव्य आए तो आप उसको ठीक कर लेंगे। पहले तो यार अभी का तो पता नहीं, पहले ये जो अपने विवेकानंद के सामने जो जो फोटोकॉपी की दुकान थी वहाँ पे नोट्स मिलते थे मेरे, हाँ तो उस पहले तो जब कह देते थे वहाँ पे नोट्स देते थे जब मैं, हो सकता है तो ये पहले तो मिल जाते थे वहाँ पे, एक उधर थी दो तीन एक फोटोकॉपी पे उस टाइम में कि आप ये देंगे तो क्वालिटी वाला मिल जाएगा, क्योंकि वो कलेक्टर क्लास में उधर वो करवाता था, तो उस टाइम बच्चों को लगा ये क्वालिटी का है तो फोटोकॉपी वाले ने ले लिया। अब वो शायद पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, नहीं हाँ वो बंद हो गई, चलो कोई बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि साहब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में नियुक्ति कहाँ से होती है इनकी, कौन से हाउस से होते हैं, कौन नियुक्त करता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या योग्यता होगी, क्या कार्यकाल होगा, लगभग बातें आपको उसमें समझ में आ गई होंगी। तो अगर अपन इनकी देखें तो इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, पहले आप ये भी लिखेंगे नहीं, आप इसको समझेंगे, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 और आर्टिकल 88 भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 105 भी लिख सकते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताते हैं। एक बात और बता दूं आपको मैं जो बता रही थी, आर्टिकल वाइज किसी एग्जाम में पूछता नहीं, सही बात तो ये है, रेयर अगर 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आर्टिकल के आगे, 100 क्वेश्चन में से 5 में तो आर्टिकल के आने की संभावना कम है, 100 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल के आगे, उसे घबराना नहीं होता है, वो छोड़ने वाले भी हो सकते हैं, आसान आए तो कर सकते हैं वरना उसको छोड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कंटेंट याद होना चाहिए, एग्जामिनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर वो भी नहीं याद रखते आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, इन दोनों आर्टिकल में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा गया है, पहले जो अब प्रधानमंत्री का राज्य में उसका सिमिलर कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको एक बात बताई थी एक दिन कि साहब चौहत्तर में अगर आप 89 जोड़ेंगे और इधर आप 89 जोड़ेंगे तो कितने कितने आएंगे, इधर 163 आ जाएगा और इधर, इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि यस कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का यहाँ लिखा गया और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का यहाँ भी लिखा गया, दोनों आर्टिकल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 74 का आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 75 है, क्लियर। क्या क्या लिखा गया उसकी बात करते हैं अपन, तो पहले तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि साहब एक आर्टिकल है 74 का, एक आर्टिकल है 75 का, और सही बताऊँ तो जो विधानसभा अगर अपने संसद के बारे में पढ़ा है, अगर उन सबको कॉपी कर दो तो वो सारी सारी बात विधानसभा पर है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे, और मान लो आपने नहीं पढ़ा है, आपको पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो पद को संबोधित करते हुए, वैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नहीं है तो पद को संबोधित करते देगा। क्वेश्चन आ जाए राज्य में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, उधर कौन करता है,
लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। क्लियर। कुल मिला के बात क्या है, जो स्थिति ऊपर है वो स्थिति नीचे है। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है उसकी बात करते हैं, फिर आर्टिकल 75 की। चौहत्तर में एक लाइन लिखी गई है, उसके पैरेलल अपना 163 भी लिखेंगे। एक मंत्री पहले लिखने दो मुझे, एक मंत्री परिषद होगी, याद रहे पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक जगह, आर्टिकल 352 में मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय आपातकाल में, वो भी बाद में जोड़ा गया था 44वें संशोधन के बाद में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल नाम का कोई शब्द ही नहीं था, इट वॉज इंसर्टेड बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1978, 78 में जोड़ा 44वें संशोधन से। पर मंत्रिपरिषद तो लिखा गया 74 में, इसमें लिखा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा गया कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, बहुत ध्यान से समझना फिर इसको लिखेंगे, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए। क्लियर। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए क्या क्या होगी, एक परिषद, और जिसका प्रधान कौन होगा। अब इंटरेस्टिंगली राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, परंतु इसकी सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के एक कंफ्यूजन ये है, वो क्या करते हैं कि सलाह वाले को विधेयक वाले के साथ घुसा देते हैं, कि राष्ट्रपति विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार भेज देगा, एक ही बार भेजेगा ना। जो अपन ने सस्पेंसिव विटो पढ़ा था, निलंबकारी विटो, उसमें क्या लिखा हुआ था, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा, पर वापस आए तो उसको फिर पारित करना पड़ता है। इसको सलाह के साथ नहीं जोड़ना, सलाह अलग चीज है, विधेयक अलग चीज है। नहीं समझ में आया क्या भाई, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा और एक बार पुनर्विचार के लिए, जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब ये काम करना है, राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए कहा साहब एक बार और सोचो। विधेयक के मामले में अलग है, वो आर्टिकल 111 की बात है, ये आर्टिकल 74 की बात है। नहीं सुन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, एक मंत्रिपरिषद होगी, छोड़ दो, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए, राष्ट्रपति को क्या देंगे, एक तो सहायता और दूसरा देने के लिए क्या होगी, जिसका हेड कौन होगा, किसके अनुसार काम करेंगे ये, राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करेगा, पर एक बार भेज देंगे। किस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं, कितना जोड़ना है, कितना आएगा, देखिए इंटरेस्टिंगली राज्यपाल का राज्यपाल को क्या देंगे, सहायता, और क्या होगी, हेड कौन होगा, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी,
जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। अब इंटरेस्टिंग, राज्यपाल इसके अनुसार काम करेगा, छोड़कर अपनी विवेकाधीन शक्तियों को। देखना कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है विवेकाधीन। एक एक चीज एक्स्ट्रा है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, इसके पास स्वविवेक नहीं है। इसके पास स्वविवेक है पर पुनर्विचार नहीं है। क्लियर हो गया क्या? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है, राष्ट्रपति उसे बिल नहीं, राष्ट्रपति से अगर कोई सलाह ली जाती है, राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है, ऑब्वियस ही बात है कि इनके अनुसार वो काम तो करेगा पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा। 44वें संशोधन 1978 से बात जोड़ी गई। तो क्या राष्ट्रपति के पास संविधान में लिखी गई विवेकाधीन शक्ति है? क्या राष्ट्रपति विधेयक को, विधेयक बार बार आ रहा है, सॉरी, क्या राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? क्या राज्यपाल सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? क्या राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है? ये दोनों आर्टिकल सिमिलर है, मतलब बराबर के है, 74 और 100, इतनी बात लिखी गई आर्टिकल 74। ठीक, अब जो बात 75 में लिखी गई है, 75 में, वो की वो बात कहाँ पे लिखी गई है? 164 में। एक बार उतार ले 74 का, क्लियर कर लेते हैं। नहीं समझ में आया क्या आप लोगों के? लिखो एक बार और, समझ में आ जाएगा। लिखे आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका प्रधान कौन होएगा? प्रधानमंत्री होएगा, प्रधानमंत्री होएगा। ठीक, अब बाकी तो ठीक है। एक बार लिख लो, एक बार पुनर्विचार के लिए, बस ताकि आप लोग समझ जाएं क्या लिखे हैं। ऐसा लिख लो, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा, इनके अनुसार काम करेगा पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा। नहीं समझ में आया सर आपके? नहीं आया? समझाते थे तुलना करके। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लाइन खींचनी है बीच में, यहाँ पे लिखना है 74 और यहाँ पे लिखना है 63। पहला बिंदु क्या है? इधर देखिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। और इधर क्या होगी? इधर देखिए वही। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? सहायता व सलाह। एक बार इधर देख लेंगे तो शायद आपके लोग, आपके लिए साइड ठीक हो जाएगा। इधर सहायता व सलाह एक ही बात है, इधर एक बार पुनर्विचार। इधर विवेक, विवेक की शक्तियों को, स्वविवेक को छोड़कर। ये सीओएम का मतलब मंत्रिपरिषद ही है, ठीक है ना? कौन से लोग मिनिस्टर है? मंत्रिपरिषद है। देखो, स्वविवेक को छोड़कर मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एडिशनली क्या है? एक बार पुनर्विचार, और इधर क्या होगा? बस बाकी इक्वल है। इधर हेड कौन होगा?
हेड कौन होएगा? इधर हेड कौन होएगा? जी ठीक। अब लिखेंगे आर्टिकल 75 75। नहीं समझ में आया मुझे पूछ लेना, है ना। ये राष्ट्रपति के लिए। अब ऐसा क्यों लिखा है आपने? तुलना करवा दी ताकि आपको आर्टिकल में समझ में आ जाए। अब इधर देखिए, ठीक है, ये चीजें अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 75 में। आर्टिकल नहीं याद करने, जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। लिखिए सबसे पहले संख्या, ये संख्या आप लोगों ने लिख ली ना पीछे, कितनी संख्या होगी मंत्रिपरिषद की? 15%। किसका? लोकसभा का, निम्न सदन का या लोकसभा का, एक ही बात है, क्योंकि राज्य में भी वही 15% फिक्स है। और ये अधिकतम है कि न्यूनतम है? अधिकतम है ये। तो सबसे पहले संख्या लिखिए, मैं लिखवा दूँ आपको संख्या। लोकसभा / विधानसभा दोनों के लिए सेम ही तो है, क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया, बहुत बढ़िया जी। लोकसभा / विधानसभा, तो इतनी माथापोड़ी से बचने के लिए अपन निम्न सदन लिख लेते हैं। निम्न सदन राज्य में, विधानसभा ऊपर, लोकसभा। तो देखिए क्या लिखा है, लोकसभा / विधानसभा का अधिकतम 15% अधिकतम है ये। 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें लिखो, इसमें प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री भी शामिल है, समझ तो गए ना आप लोग। इसमें प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री भी शामिल है, दूसरा पॉइंट, राज्यों में न्यूनतम मंत्रियों की, राजस्थान में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या, बहुत बढ़िया, राजस्थान में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होगी। मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा लालची हो जाएं, सारे विभाग अपने पास रख लें, तो भी 11 मंत्री तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। वापस बोलूं, राजस्थान में न्यूनतम, अधिकतम नहीं है, अधिकतम कितने होंगे राजस्थान में? 30। न्यूनतम कितने होंगे? 12। तो लिखो राजस्थान में मिनिमम नंबर कितना होगा? 12। ठीक है सर, अगला पॉइंट, देखिए दिल्ली के लिए 15% का रूल नहीं है, वहाँ पे 10% का रूल है, दिल्ली और पांडिचेरी में। तो लिखिए दिल्ली और पांडिचेरी में, लिख लो काम आ जाएगा, दिल्ली और पांडिचेरी में 10% अधिकतम 10% मिनिस्टर हो सकते हैं वहाँ पे। ओके ठीक है, तो दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं, 70 मल्टीप्ली 10 होएगा तो 7, तो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री होंगे। पांडिचेरी में 30 हैं, एक मुख्यमंत्री 2 मंत्री, कितना छोटा सा मंत्री परिषद है उनका, ना कोई कैबिनेट का झंझट, ना कोई स्वतंत्र प्रभार का झंझट। और नियुक्ति, अब नियुक्ति में आपको मेरे हिसाब से थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कौन करेगा? लिखिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर वास्तविक रूप से
पर वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर? आगे लिखिए कार्यकाल। ये इंटरेस्टिंग है, आप 5 साल करेंगे ना जी ना, तो कुछ मैं तो ठीक ही लिखा है, कुछ उल्टा सीधा हो गया क्या? आप कंफ्यूज हो गए। देखिए वो एक अनुच्छेद केवल आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए बताया था, और वो ज्ञान अब भी जारी रहेगा क्योंकि आर्टिकल 164 पढ़ेंगे वापस। भाई हेडिंग तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की है, प्रधानमंत्री पढ़ा आर्टिकल 74 तो बराबर में 163 ऐसे ही बता दिया। अब आर्टिकल 75 पढ़ रहे तो ऐसे ही 164 भी बता देंगे, बाकी टॉपिक तो अपना क्या है। क्लियर? ओके नेक्स्ट। कार्यकाल कितना होगा लिखिए, जब तक लोकसभा में विश्वास हो, विश्वास मत हासिल हो, कॉन्फिडेंस हो, लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये काम की लाइन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि वो जब तक चाहे, ड्यूरिंग हिज प्लीजर, प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ठीक, प्रसाद पर्यंत क्या होता है इनमें अंतर, प्रियंक और प्रिय, बहुत बढ़िया, तक और पलंग, ठीक। चलिए शपथ तो लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक, और पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। ओके, शायद आपने किसी ने पूछा ही था, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, पद और गोपनीयता। संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का प्रारूप लिखा गया है, क्लियर? संविधान के थर्ड शेड्यूल डिस्क्राइब आउट द ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द मिनिस्टर्स एज वेल एज द मेंबर्स आल्सो। ठीक है, शपथ का प्रारूप कहां पे लिखा गया है? थर्ड शेड्यूल में। त्यागपत्र लिखे, अंतिम है त्यागपत्र, किसको दिया जाएगा? साहब ये राष्ट्रपति को देंगे, लिखिए राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक, एक चीज और लिख लें लास्ट में, देखिए मंत्रिपरिषद ओब्लिक संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मंत्रिपरिषद ओब्लिक संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है, वेस्ट मिनिस्टर। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है।
क्लियर। एक लाइन और बहुत फेमस है, सुन लीजिए, मंत्री परिषद साथ साथ तैरती है साथ साथ डूबती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक मंत्री ने कुछ गंदा काम कर दिया, उसको हटाने का प्रस्ताव आ रहा, तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव समझा जाएगा। तो साथ साथ तैरते हैं साथ साथ डूबते। एक चीज और, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फर्क है? बताया था, लिखना है नहीं लिखना है? लिखना, एक लाइन लगेगी, लिख लो। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक, क्या लिखेंगे? मंत्री परिषद के साथ लिखो तीनों प्रकार के मंत्री, तीनों स्तर के मंत्री, तीनों स्तर के मंत्री, प्रकार तो चार होते हैं ना, तो लिखे तीनों स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ सारे आगे पर लिखे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। और वो लाइन आपको बताए क्यों साथ साथ तैरते हैं साथ साथ डूबते हैं? ये अपना टॉपिक पूरा हो गया है।